press the subscribe button and don't forget to press the bell icon to get notification of newly uploaded videos. Hi friends, welcome back to our channel RitzTipz. जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, इनमें तो एक चीज कॉमन है कि इनको किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए या इनको चार्ज करने के लिए आपको यूएसबी पोर्ट का जरूरत है। और जो यूएसबी केबल्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत डिमांड में है। हर साल ऑलमोस्ट 10 to 11 million यूएसबी केबल्स का शिपिंग होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसे कि टेक्नोलॉजी में आपको एडवांसमेंट देखने के लिए मिलता है, टेक्नोलॉजी का हर एक फील्ड में आपको एडवांसमेंट देखने के लिए मिलता है, वैसे ही यूएसबी का जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुका है। और इसलिए यूएसबी का डिफरेंट वर्सन, डिफरेंट टाइप मार्केट में आ चुका है। और इसको आप एट ए ग्लांस देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। आज इस वीडियो में हम लोग यूएसबी का डिफरेंट वर्सन लेके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएसबी को लेके बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके दिमाग में यूएसबी का हर एक टाइप और वर्सन को लेके एक क्लियर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले जान लेते हैं ये यूएसबी है क्या। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये डिफरेंट डिवाइस में कनेक्शन का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। यूएसबी मेनली डिफर करता है पोर्ट्स को और कनेक्टर्स को, जिसको यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स का डिवाइस को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही पॉपुलर स्टैंडर्ड है कनेक्शन का। यूएसबी पोर्ट्स को और यूएसबी केबल्स को यूज करके आप डिफरेंट हार्डवेयर जैसे कि स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब डिवाइस को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यूएसबी इतना पॉपुलर है कि कंप्यूटर लाइक डिवाइस जैसे कि गेमिंग कंसोल हो गया, ऑडियो विजुअल डिवाइस हो गया, इन सारे चीज में भी आपको यूएसबी का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो अदर्स गैजेट है जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, इनमें भी आपको यूएसबी का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और वो यूएसबी पोर्ट उन सारे डिवाइस को चार्ज करने के पर्पस में और उन सारे डिवाइस से डेटा ट्रांसफर के पर्पस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसबी का डिफरेंट वर्सन को लेके। यूएसबी का जो कनेक्टर है उसका फंक्शनलिटी के ऊपर बेस करके यूएसबी का कुछ कुछ वर्सन निकल के आया है। और हर एक वर्सन में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। मेनली जिस वर्सन के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है यूएसबी 1.1, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0 और यूएसबी 3.1। तो चलिए इन सारे वर्सन के ऊपर डिटेल पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी वर्सन 1.1 के बारे में। इसे बोला जाता है फुल स्पीड यूएसबी और इसको रिलीज किया गया था ईयर 1998 का अगस्त के महीना में। ये जो वर्सन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया था। और इस वर्सन में आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 12 Mbps तक मिल जाता था। नेक्स्ट आता है यूएसबी वर्सन 2.0। इसे बोला जाता है हाई स्पीड यूएसबी और इसको 2000 साल में अप्रैल के महीने में रिलीज किया गया था। और इस पे आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 480 Mbps तक मिल जाता था। उसके बाद आता है यूएसबी वर्सन 3.0, जिसे बोला जाता है सुपर स्पीड यूएसबी। इस यूएसबी को 2008 साल के नवंबर के महीने में रिलीज किया गया था। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 5 Gbps तक मिल जाएगा। और यूएसबी 3.0 का जो कनेक्टर है उसका जो कलर है वो मेनली ब्लू होता है। नेक्स्ट आता है यूएसबी वर्सन 3.1, जिसे बोला जाता है सुपर स्पीड प्लस यूएसबी। इसको रिलीज किया गया था 2013 साल के जुलाई के महीने में। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 10 Gbps तक मिल जाएगा। ये है लेटेस्ट यूएसबी वर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसबी के दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन के ऊपर। यूएसबी का जो पोर्ट है और प्लग है उसका जो डिजाइन है, उसका जो शेप है, उसके ऊपर बेस करके आपको मेनली तीन टाइप का यूएसबी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी और यूएसबी टाइप सी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसबी टाइप ए के बारे में। यूएसबी टाइप ए का जो शेप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। और ये जो यूएसबी टाइप ए वाला पोर्ट है ये मेनली आपको होस्ट डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हो गया इस पे देखने के लिए मिल जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे भी डिवाइस है, ऐसे भी पेरिफेरल्स है जिसपे आपको यूएसबी टाइप ए का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। आप किसी भी वर्सन का यूएसबी ले लो, जैसे कि यूएसबी 3.1 हो गया, यूएसबी 1.1 हो गया,
अगर आप किसी भी वर्जन के यूएसबी लेते हो लेकिन वो यूएसबी ए टाइप का पोर्ट यूज करता है तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल हो सकता है। जैसे कि आप एक यूएसबी 3.0 सपोर्टेड हार्ड डिस्क को एक यूएसबी 2.0 पोर्ट में भी कनेक्ट कर सकते हो और यूएसबी टाइप ए का स्मॉल वर्जन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसे हम माइक्रो टाइप ए बोलते हैं और मिनी टाइप ए बोलते हैं। लेकिन इसका यूज हर एक डिवाइस में नहीं होता है, इस मिनी और माइक्रो टाइप ए पोर्ट का बहुत ही कम यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसबी टाइप बी के बारे में। किसी भी यूएसबी केबल का जो एंड जाके पेरिफेरल के साथ कनेक्ट होता है उसमें एंड पे आपको मेनली यूएसबी बी टाइप का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये स्क्वायर शेप में आता है और एक छोटा सा नॉच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेनली यूएसबी बी टाइप 3.0 वर्जन में आपको क्लियरली दिखाई देगा और यूएसबी टाइप बी में भी आपको कुछ क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लासिफिकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड यूएसबी टाइप बी के बारे में। ये डिजाइन किया गया था यूएसबी वर्जन 1.1 के लिए लेकिन बाद में ये यूएसबी वर्जन 2.0 के साथ भी यूज किया जा रहा था। ये मेनली आपको बड़े बड़े पेरिफेरल्स जैसे कि स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनमें दिखाई देगा और ये सर बड़े पेरिफेरल्स यूएसबी स्टैंडर्ड यूएसबी टाइप बी को यूज करके होस्ट के साथ जैसे कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी बी टाइप यूएसबी के बारे में। ये स्टैंडर्ड बी टाइप यूएसबी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ये पुराना जो डिवाइसेस थे उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि पुराना डिजिटल कैमरा हो गया वो इस टाइप का पोर्ट को यूज करके होस्ट के साथ कनेक्ट होता था। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो बी टाइप यूएसबी के बारे में। आजकल का डेट में जो सर स्मार्टफोन टैबलेट आ रहा है उनमें आपको माइक्रो यूएसबी बी टाइप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का पोर्ट को यूज करके वो सारे डिवाइस चार्ज होता है और होस्ट के साथ कनेक्ट भी होता है और इसका साइज मिनी यूएसबी टाइप बी से थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसबी टाइप सी के बारे में। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन इसका जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड कॉर्नर्स है। इसको अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था और ये यूज करने में बहुत ही इजी है और ये यूएसबी जो टाइप सी है वो प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड में और चार्जिंग के स्पीड में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाता है और इसका जो डायमेंशन है वो है 8.4 मिलीमीटर बाई 2.6 मिलीमीटर। अगर बात करें यूएसबी टाइप सी का कुछ एडवांटेजेस के बारे में तो पहला जो एडवांटेज निकल के आएगा वो ये है कि इसे आप अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, मान लीजिए ये इस तरह से यूएसबी टाइप सी पोर्ट पे कनेक्ट होता है और अगर मैं इसे घुमा दूं फिर भी ये इस तरह से यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। ये फीचर आपको यूएसबी टाइप ए और टाइप बी में देखने के लिए नहीं मिलता था। और इसका और एक एडवांटेज ये है कि ये बाईडायरेक्शनल पावर ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, यानी अगर जरूरत पड़े तो किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को यूज करके आप यूएसबी टाइप सी के केबल के थ्रू आप किसी भी होस्ट डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। और यूएसबी टाइप सी अगर वर्जन 3.1 पे आपको 10 Gbps तक ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था मेरा एक वीडियो यूएसबी का क्लासिफिकेशन को लेके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको यूएसबी का क्लासिफिकेशन के बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी नया व्यूअर अगर मेरा इस चैनल को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल वाला आइकन है उसे भी क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाई।